मुंबई ने जो जीत की लहर पकड़ी थी उसे बरकरार रखी है, गुजरात को हरा के तीसरी स्थान पर अपनी जगह को पक्की की है। और आज जो मुकाबला है वो डू और डाई होगा, सनराइजर्स हैदराबाद के सामने लखनऊ का टीम होगा, और सामने में दिखाई देंगे शाम को दिल्ली के कैपिटल्स और पंजाब किंग्स। दिल्ली का तो सफर लगभग हो चुका है, एंड करना चाहेंगे पंजाब को भी बाहर। क्या पंजाब रखेगा अपने आप को बरकरार या हो जाएगा ये टूर्नामेंट से आज बाहर? सनराइजर्स हैदराबाद का क्या हो सकता है पॉइंट टेबल में जगह? कहां से वो कर सकता है वापसी? 10 मुकाबले वो खेले हैं, उनको 4 में से 4 जीत उनको 8 अंक तक ले जाएंगे, तो उनके लिए हर मुकाबला उनके लिए भी डू और डाई है। और बता दें लखनऊ की बात, तो लखनऊ आस्ते आस्ते फिसलते हुए 11 मुकाबले में 11 अंक पर आई है, तो उनके पास अगर वो 3 मुकाबला जीते हैं तो उनको 6 अंक मिलता है, उनके पास 4 मुकाबले बचे हैं, तो अगर उनको उनको यहाँ से 4 मुकाबला अगर वो यहाँ से लगातार जीतेंगे तो वो 19 अंक पर जाकर ख़त्म करेंगे, और एक भी मुकाबला हारा, एक मुकाबला हारने से वो 17 अंक पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो वो आपको 3 मैच यहाँ से उनको लगातार जीतना होगा, तो ये एक देखने लायक बात होगा। फिर अब आज का पहले कल क्या मुंबई और गुजरात का जो मुकाबला था वो बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला था, उस पर डालेंगे नज़र, क्योंकि सूर्य को नमस्कार किया है, सूर्य को आदर सत्कार किया है, कमाल ये पारी खेला, सूर्य चमका है अंधेरी नगरी में, एक सूर्य का प्रकाश को बिखेरा है। रात का समय था लेकिन सूर्य के ऊपर ज़्यादा देर तक बादल छा नहीं सकते, ये का संदेश दिया है। सामने गुजरात को एक करारी हार का सामना करवाने की प्रयास थी, लेकिन 191 तक कभी भी गुजरात लड़ झगड़ कर पहुँचा, लेकिन कभी भी 27 रन से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाया, कप्तान रोहित 29 रन बनाया, तो ईशान किशन ने 31, नेहल वदेरा ने 7 गेंदों में 15, सूर्य नाबाद रहा 49 बॉल में 103 रन, पहला मेडन सेंचुरी आईपीएल का बनाया, ये सीजन का पहला और उनके आईपीएल करियर का पहला, 20 गेंदों में 30 रन विश्वंदु बस्तुन ने बनाया, टिम डेविड ने 3 गेंदों में 5, रीम ग्रामन ग्रीन ने 3 गेंदों में 3 रन लिया, तो शामी को एक भी विकेट मिला नहीं, 4 विकेट आदिल रशीद के खाते में और 1 मोहित शर्मा के। और जब आई टाइटंस की बल्लेबाजी तो सुपर से 3 बल्लेबाज का खामोश था, सिंगल डिजिट स्कोर में टोटल 6 बल्लेबाजों को आउट किया, सिर्फ 4 ही बल्लेबाज जा पाए डबल डिजिट स्कोर में। राशिद खान ने अपने बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया, 79 रन पारी खेली 32 बॉल्स के अंदर राशिद खरम अली खान बल्ले से भी चमका, गेंद से भी, लेकिन अपने टीम को जीत के पार नहीं लेकर जा पाया, लेकिन अपनी बल्लेबाजी का खूबसूरत मुजाहरा पेश किया सबके सामने, क्योंकि शुभमन गिल खामोश, रिद्धिमान शाह खामोश, हार्दिक पांड्या खामोश, विजय शंकर 29, डेविड मिलर 41, मैनोर खामोश, टेबटिया 14 और राशिद खान 79 32 बॉल्स में पहली बार इतना शानदार खेला होगा ये गेंदबाज ऑलराउंडर, अपनी बल्लेबाजी में बहुत प्राइड लेते हैं और ये मुकाबले में वही करके दिखाया। जेसन बेट ट्रॉफी एक विकेट, आकाश मेघवाल ने 3 विकेट, 2 विकेट पीयूष चावला के खाते में, 2 विकेट कुमार क्रीका के खाते में, 1 ओवर में 13 रन कैमरन ग्रीन ने खाया। उसके बाद अब शुरुआत करते हैं आज का जो मुकाबला है उसके साथ, तो आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात नहीं लखनऊ के सामने है, लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतना है सनराइजर्स को जरूरी, टी नटराजन या राहुल रेवाड़ी दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूट होगा, तो अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो राहुल रेवाड़ी टीम में नज़र आएंगे, और अगर सेकंड बल्लेबाजी करेगा तो टी नटराजन टीम में नज़र आएंगे ऐसा उम्मीद है। और लखनऊ के में अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो लास्ट मैच में जो प्लेइंग 11 था उसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहेगी दोनों ही टीम, और दिल्ली और पंजाब में भी वही सिनेरियो नज़र आता है, जो लास्ट मैच जो टीम के साथ खेला था उसको ही बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इम्पैक्ट और
सबको साथ वही 12 आपको खिलाड़ी नज़र आएंगे मुझे लगता है। पंजाब की टीम में भी कोई वैसे बदलाव होगा नहीं, तो यही चीज़ है। ये दोनों मुकाबला आज शानदार होने वाला है। बता देता हूँ वापस, आज 13 मई 2023 IPL का ये 16वां सीज़न का ये 58th और 59th मैच सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात और शाम को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स किस विरुद्ध होगा। आज का दिन शानदार रोमांचक ये शनिवार होगा। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद आर्यमन, विद आर्यमन गोयनका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।